भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने गुरुवार 29 नवंबर 2018 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से देश के सबसे ताकतवर इमेजिंग सैटेलाइट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट या हाइसिस को लॉन्च किया। हाइसिस को लॉन्च करने के लिए PSLV-C43 रॉकेट का उपयोग किया गया। PSLV-C43 PSLV रॉकेट का ही एक एडवांस वर्जन है, जिसकी लंबाई करीब 44.4 मीटर है। PSLV-C43 में 4 स्टेज का यूज किया जाता है, जिनमें लिक्विड और सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाता है। 230 टन वजनी PSLV-C43 रॉकेट के जरिए 1750 किलोग्राम तक के पेलोड्स को पोलर SSO ऑर्बिट में स्थापित किया जा सकता है। स्वागत है आप सभी का रहस्य टीवी में और मैं हूं कुलदीप। तो चलिए जानते हैं कि उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित कैसे किया गया। 29 नवंबर 2018 को सुबह 9:57 पर PSLV-C43 ने हाइसिस के साथ श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। ये रॉकेट अपने साथ हाइसिस के अलावा 8 अन्य देशों के 30 सैटेलाइट लेकर गया था, जिसमें अमेरिका के 23 तथा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, फिनलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड और स्पेन के एक एक सैटेलाइट थे। इन 30 सैटेलाइट में 29 नैनो सैटेलाइट व 1 माइक्रो सैटेलाइट शामिल है, जिनका कुल वजन 261.5 किलोग्राम है। उड़ान के 17 मिनट और 27 सेकंड के बाद रॉकेट ने पृथ्वी की सतह से 636 किलोमीटर ऊपर हाइसिस को पोलर SSO ऑर्बिट या पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 97.95 डिग्री के झुकाव के साथ सफलतापूर्वक डिप्लॉय कर दिया। अब बारी थी 30 सैटेलाइट को उनकी कक्षा में स्थापित करने की, लेकिन इन 30 सैटेलाइट को लो एल्टीट्यूड में 504 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट में स्थापित करना था। इसलिए PSLV-C43 रॉकेट की फोर्थ स्टेज के इंजन को बंद करके इसे 504 किलोमीटर के लो एल्टीट्यूड पर लाया गया, जहां वापस से फोर्थ स्टेज के इंजन को शुरू करके 30 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक डिप्लॉय किया गया। लॉन्चिंग के 112 मिनट के बाद यह मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। ये मिशन इसरो के द्वारा किए गए सबसे लंबे मिशनों में से एक है। इससे पहले 25 सितंबर 2016 को भी इसरो ने ऐसी ही एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी, जब भारत के एक मौसम उपग्रह के साथ दूसरे देशों के 5 उपग्रहों को अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया गया था। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर हाइसिस में ऐसा क्या है जो इसे देश की सबसे ताकतवर इमेजिंग सैटेलाइट बनाती है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट एक 380 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट है, जिसके साथ 2 पेलोड भेजे गए हैं, जिसमें से एक पेलोड लाइट स्पेक्ट्रम की विजिबल नियर इंफ्रारेड रेंज या VNIR रेंज में इमेज कैप्चर करेगा, जबकि दूसरा पेलोड SWIR रेंज या शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेंज में इमेज कैप्चर करेगा। इस मिशन की अवधि 5 साल है, यानी हाइसिस 2023 तक हमें अपनी सेवाएं देता रहेगा। हाइसिस डिजिटल इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी की पावर को आपस में जोड़ती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सूचनाएं कलेक्ट करके उन्हें प्रोसेस करता है, और इन्हीं सब खूबियों की वजह से ये भारत का आज तक का सबसे ताकतवर इमेजिंग सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट इतना ताकतवर है कि ये अंतरिक्ष में 636 किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी पर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट की पहचान कर पाने में सक्षम है। साथ ही किसी भी ऑब्जेक्ट या पृथ्वी पर होने वाली किसी भी प्रोसेस की आसानी से पहचान कर सकता है। हाइसिस इस मायने में भी बेहद खास है, क्योंकि ये तकनीक आज के समय में केवल कुछ चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद है। बेसिकली हाइसिस एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि 55 स्पेक्ट्रल या कलर बैंड में देख पाने में सक्षम है। हाइसिस का उपयोग कृषि, वानिकी, मृदा सर्वेक्षण, भूविज्ञान, तटीय क्षेत्रों, अंतर्देशीय जल अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन और उद्योगों से पैदा होने वाले प्रदूषण का पता लगाने जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाएगा। हालांकि हाइसिस का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह तथा इसके मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करना है, लेकिन एक पावरफुल इमेजिंग सैटेलाइट होने के नाते इसका उपयोग सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सैन्य गतिविधियों और सेना द्वारा निगरानी के उद्देश्य से भी किया जाएगा। इसके अलावा इसके द्वारा एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी, क्लाइमेट चेंज और साथ ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड क्षेत्रों के नजदीक पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए भी किया जाएगा। भारत के द्वारा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक का सबसे पहले उपयोग IMS फर्स्ट सैटेलाइट में किया गया था। बाद में चंद्रयान फर्स्ट में भी इसका यूज किया गया, लेकिन ये पहली बार है जब पूरी तरह से इस तकनीक से लैस किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया हो। नवंबर 2018 में इसरो की ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। इससे पहले 14 नवंबर को इसरो ने एक संचार उपग्रह GSAT-29 को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया था। बीते 25 सालों में इसरो ने 52 भारतीय और 28 दूसरे देशों के 239 विदेशी सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक डिप्लॉय किया है। पिछले 2 सालों में ये फोर्थ नंबर का ऐसा मौका है जब इसरो ने 30 से ज्यादा सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया हो और उन्हें सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में स्थापित किया हो।
15 फरवरी 2017 को इसरो ने 3 भारतीय सहित 104 सैटेलाइट को डिप्लॉय कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। अभी तक विश्व की कोई भी स्पेस एजेंसी एक साथ इतनी संख्या में उपग्रह लॉन्च नहीं कर पाई। इन सब सफलताओं के दम पर ही आज इसरो सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में मजबूती से खड़ा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले शनिवार को शाम 6 बजे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।